गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का सबसे पहला टॉपिक या हम कहें सबसे पहला चैप्टर दैट इज रैशनल नंबर, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन रैशनल नंबर को पढ़ने से पहले हम लोगों ने क्लास 7th में जो चीज़ें सीखी हैं, जैसे हम लोगों ने सीखा है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, ऐसे ही हम लोगों ने सीखा है कि फ्रैक्शन क्या होता है। सो बिफोर वी स्टार्ट द रैशनल नंबर, हमको ये क्लियर होना चाहिए बेसिक चीज़ें कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटीजर। तो जब भी हम बात करते हैं इंटीजर की, तो आप सब जानते हैं इंटीजर यानी कि बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर, बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एज वेल एज जीरोस। यानी कि इंटीजर वो होता है जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, जिसमें नेगेटिव नंबर भी आता है, और जिसमें क्या आता है, दैट इज जीरो आता है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास 7th के अंदर, और फिर हम लोगों ने समझा कि कैसे हम इंटीजर को नंबर लाइन के ऊपर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। फिर चैप्टर 2nd में आप लोगों ने डिस्कस किया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन हम लोगों ने ये सीखी, द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर होल नंबर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि फ्रैक्शन वो होता है जो किस फॉर्म में होता है, पी बाय क्यू के फॉर्म में होता है, वेयर पी एंड क्यू आर होल नंबर्स। पी और क्यू क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स यानी कि जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन चलते जाते हैं, और कभी भी डिनोमिनेटर किसके बराबर नहीं होता है, जीरो के बराबर नहीं होता है। तो सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1/2 ये एक फ्रैक्शन, ऐसे ही 0/2 ये भी एक फ्रैक्शन है, ऐसे ही 3/4 ये भी एक फ्रैक्शन है, 7/5 ये भी क्या है, एक फ्रैक्शन। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे नंबर्स किस फॉर्म में है, पी बाय क्यू के फॉर्म में, क्लियर। और यहां पे कहीं पे भी डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, दैट इज जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये होता है फ्रैक्शन, कि ऐसे नंबर्स जो पी बाय क्यू के फॉर्म में हो, वेयर पी एंड क्यू आर होल नंबर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो सबसे बनेगा इंटीजर क्या होता है, सबसे बनना चाहिए फ्रैक्शन क्या होता है। अब ऐसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे क्लास 8 का दैट इज टॉपिक रैशनल नंबर। तो सबसे पहले रैशनल नंबर को समझने से पहले हम लोगों को रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, तो जब भी हम बात करते हैं रैशनल नंबर की, तो रैशनल नंबर का सिंपली मतलब होता है द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, ऐसे नंबर्स जो किस फॉर्म में होंगे, p बाय क्यू के फॉर्म में होंगे, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ऐसे नंबर्स जो किस फॉर्म में होंगे, p बाय क्यू के फॉर्म में होंगे, p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर आपने देखा, तो इससे पहले मैंने आपको फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखवाई। फ्रैक्शन में हम लोगों ने क्या लिखा था कि ऐसे नंबर्स जो p बाय q के फॉर्म में होंगे, लेकिन p और q क्या होने चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए।
लेकिन जब हम बात करते हैं रैशनल नंबर की, तो यहाँ पे एक स्पेशल टर्म में यूज कर रहा हूँ, वेयर पी एंड क्यू आर दैट इज इंटीजर्स। अब इंटीजर्स यानी के जिसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, और क्या होता है, जीरो। तो एग्जाम्पल समझते हैं। तो देखिए, 1/2 क्या ये एक रैशनल नंबर? ऐसे ही -1/2 क्या ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है? 0/2 ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर। लेकिन सर ये तो एक फ्रैक्शन भी होता है। तो बिल्कुल सही बात है कि 1/2 तो क्या है, एक फ्रैक्शन भी। लेकिन आपने देखा है कि फ्रैक्शन में मैंने एक टर्म यूज की थी होल नंबर्स, तो क्या है यहाँ पे -1 एक होल नंबर है? नहीं, -1 क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर्स सिर्फ किसके अंदर आते हैं, दैट इज इंटीजर्स के अंदर आते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं रैशनल नंबर की, तो रैशनल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर्स आ सकते हैं, क्लियर है? लेकिन जब हम बात करते हैं फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या होने चाहिए, दैट इज पॉजिटिव होने चाहिए। तो इधर से ये टर्म क्लियर होनी चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या है। तो रैशनल नंबर्स यानी कि ऐसे नंबर्स जो किस फॉर्म में होंगे, पी बाय क्यू के फॉर्म में होंगे, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो अब मैं यहां से क्या एक नोट लिख सकता हूं, ध्यान से समझिएगा ये नोट। नोट आपको ये स्टेट करता है कि क्या हम कह सकते हैं कि एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। हर फ्रैक्शन क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है, बट एवरी रैशनल नंबर, हर रैशनल नंबर इज नॉट अ फ्रैक्शन। लेकिन हर रैशनल नंबर क्या नहीं हो सकता, एक फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात है, 1/2 ये एक फ्रैक्शन भी है और क्या है, एक रैशनल नंबर भी, क्लियर। लेकिन मेरे को बताइए, क्या -1/2 ये जो मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया -1/2, अब आप खुद बताइए क्या ये फ्रैक्शन है कि रैशनल नंबर? तो आप खुद कहेंगे कि सर ये एक रैशनल नंबर है, इतना क्लियर। तो यहां से आपको टर्म क्लियर होना चाहिए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रैशनल नंबर। द नंबर्स व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ऐसे ही एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ फ्रैक्शन। यहां तक सबको क्लियर? चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। तो बेसिकली इधर से आपका जो नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट इज रैशनल नंबर, हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। तो टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स, इतना क्लियर? तो टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर में आपके पास रैशनल नंबर्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर, और एक होता है दैट इज नेगेटिव रैशनल नंबर। तो एक तो क्या हो गया पॉजिटिव, और एक हो गया दैट इज नेगेटिव रैशनल नंबर। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जब भी हम बात करते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर्स की, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स, वो नंबर होते हैं इन विच बोथ द न्यूमरेटर एंड the denominator are
पॉजिटिव. तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स हैं जिसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 1/2. क्लियर है, बताइए क्या 1 यहां पे एक पॉजिटिव नंबर और 2 भी क्या है एक पॉजिटिव नंबर. तो 1/2 ये आपका एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए ये आपका क्या कहलाएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर. ऐसे ही बताइए क्या 3/4 ये भी क्या है आपका एक पॉजिटिव रैशनल नंबर. तो यहां से 3/4 भी आपका क्या हो गया, दैट इज पॉजिटिव रैशनल नंबर. तो सबको क्लियर, पॉजिटिव रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स जिसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए. तो ये आपका क्या कहलाएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर. बहुत ही सिंपल सा है. अब हम बात करते हैं दैट इज नेगेटिव रैशनल नंबर की. चलो तो अब नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो जब भी हम बात करते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर की, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नेगेटिव रैशनल नंबर, दोज नंबर्स नेगेटिव रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं इन विच आइदर द न्यूमरेटर और द डिनोमिनेटर इज नेगेटिव. तो नेगेटिव रैशनल नंबर्स वो रैशनल नंबर्स हैं जिसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों में से कोई भी एक क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए. और यहां पे ध्यान से समझेगा, जब भी हम बात करते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर्स तो वो रैशनल नंबर्स जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई भी एक क्या हो, दैट इज नेगेटिव. सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, -1/2. मेरे को बताइए क्या -1 जो आपका न्यूमरेटर है वो नेगेटिव है और 2 क्या है डिनोमिनेटर, यानी क्या है पॉजिटिव. तो ये पूरा मिला के आपका क्या बनेगा, दैट इज एक नेगेटिव रैशनल नंबर बनेगा. इतना क्लियर. अब -5/6 बताइए क्या ये भी क्या होगा, एक नेगेटिव रैशनल नंबर. तो यहां पे सबको क्लियर होना चाहिए कि नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स वो नंबर्स जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या होंगे, दैट इज पॉजिटिव. और ऐसे ही नेगेटिव रैशनल नंबर जिसके अंदर या तो न्यूमरेटर और या तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, दैट इज नेगेटिव होना चाहिए. यहां तक सबको क्लियर होगा, नोट करेंगे ठीक है.